वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा ऑटो कलर करेक्शन के बारे में। तो फोटो कलर करेक्शन में बहुत ही समस्या आता है, तो इसके वजह से मैंने जो डार्क मैजिक एक्सप्रेस निकाला है, डार्क मैजिक अल्टीमेट 10 निकाला है, उसके अंदर से ये सब फीचर्स आपको मिल जाता है। तो उसको यूज कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा छोटा सा एक डेमो दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको पास 100 फोटो है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी एक एक करके फोटो लेके उसको कलर करेक्शन कर सकते हैं। और मल्टीपल फोटो तो कलर करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एवरेज फोटो कलर करेक्शन होता है, कंप्लीट तरीके से टोटली आपका कलर करेक्शन नहीं होता है। तो उसमें आपका कलर करेक्शन हो जाता है, बट थोड़ा सा कुछ कमी रह जाता है। तो वो कमी कैसे आपको दूर करना है, तो एक एक करके फोटो अगर आप करेंगे उसमें आपका टाइम भी बचत होगा, और थोड़ा सा टाइम मल्टी फोटो कलर करेक्शन के जो करते हैं उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन फोटो आपका एकदम जेन्युइन बेटर टाइप का आता है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो देखिए, यहाँ पे मैं आपको फोटोशॉप CS6 में ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ फोटो यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो इसका कलर कास्ट आपका येलो देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डार्क मैजिक जो एक्सप्रेस जो नया वाला निकला है उसके मदद से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बैच प्रोसेसिंग आपका डार्क मैजिक एक्सप्रेस में भी मिल जाएगा, और अल्टीमेट 10 जो पहले वाला जो वर्सन है उसमें भी आपको मिल जाएगा। और उसके अंदर आपका ये फीचर्स नहीं है अल्टीमेट 10 में, लेकिन इसके अंदर आपका ये फीचर्स मैंने आपको डाल दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए किस तरह से करना है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, खाली फोटो इसके अंदर डालिए, 10-12 फोटो तक आप डालिए, तो आराम से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपका ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटो एल्बम रिटच है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, ऑटो कलर करेक्शन है, इसमें आपको जाना है। ठीक है, जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए ऑटो CC बोल के लिखा है, इसको आपको दबा देना है। जब भी आप दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका कलर करेक्शन करके दे देगा। तो ये देख सकते हैं आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका कलर करेक्शन आपका हो गया, एकदम सुंदर। ठीक है, और इसको अगर आपको थोड़ा सा लाइट इसका डाउन करना है, तो यहाँ पे लाइट का बटन दिया गया है, आपको यहाँ पे सिंपली एक बार क्लिक करना है तो इसका लाइट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, इस तरह से आपको करना है। ओके, तो ये हो जाने के बाद आपको Ctrl+W दबाना है और इसको येस करना है, ये आपका सेव हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा वाला इमेज, इसमें भी देखिए आपका इस तरह से कलर दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपका कलर है, ये आपका फोटो खींचा हुआ फोटो है। अब सिंपली आप इसको ऑटो CC इसको क्लिक कर दीजिए, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ये टोन ठीक हो चुका है। ओके, अब इसको सिंपली आपको लाइट थोड़ा सा बढ़ाने तो बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसको Ctrl+W इंटर, तो हर एक फोटो में जो भी फोटो आपका आएगा इस तरह से आपको करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑटो CC बोल के लिखा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। जब दुल्हन का फोटो आप मान लीजिए देखेंगे, तो उसके बाद आपको पहले ऑटो को कलर करेक्शन इसको क्लिक करना है, उसके बाद आपको सॉफ्ट रिटच में जाना है, इसको कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट रिटच में क्लिक करेंगे तो आपको घिसना भी नहीं पड़ेगा, इसका स्किन वगैरह सब कुछ आपका इसके अंदर से आपका हो जाता है। ओके, इसके लिए आपको अलग से कोई फिल्टर वगैरह, यहाँ से फिल्टर वगैरह कोई जरूरत नहीं है, खाली सब इसी के अंदर आपका हो जाता है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपका हो जाता है, जो कि डार्क मैजिक एक्सप्रेस है। इसका अगर आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, तो ऊपर में देखिए आई बटन के ऊपर में देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो पूरा कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, 1 घंटा 29 मिनट का वीडियो है, कंप्लीट मैंने पूरा डिटेल्स में बताया किस तरह से आपको यूज करना है। ओके, और इस सॉफ्टवेयर का प्राइस है ₹999 आपको मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, 8 कैटेगरी इसके अंदर मिल जाता है, सब कुछ उसी वीडियो में आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑटो क्लिक करेंगे तो ये देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। कलर करेक्शन का सॉफ्टवेयर तो आपको बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन इस तरह से आप सॉफ्टवेयर को कलर करेक्शन करते हुए अभी मतलब ऐसा कलर करेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ता है, एडजस्टमेंट में जाना पड़ता है, इसको करता ये सब करना पड़ता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली इस बटन को दबाइए, अगर लाइट ज्यादा लगे तो इसको कम कर दीजिए, लाइट कम लगे तो इसको ज्यादा कर दीजिए, इस तरह से आपको करना है और कुछ नहीं करना है। और इस तरह से आपका प्रिंट भी बहुत ही बढ़िया आता है, आप एक बार प्रिंट निकाल के देखिएगा, आप मुझे आके कमेंट में बताएंगे किस तरह से आपका हो रहा है। मैं आपको और एक फोटो दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं करना पड़ा है, खाली इसको एंटर दबाइए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसको दबाया, इसमें लाइट सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम परफेक्ट है, इसको ओके किया और इसको एंटर कर दिया, ये आपका सेव हो गया। सभी फोटो इस तरह से आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ऑटो CC को दबाइए तो ये आपका ढक जाता है, इसलिए कटिंग करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऑनली इसको दबाइए, ACC को दबाइए और इसको सेव कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना। हाँ, बैकअप के लिए एक मान लीजिए आपके पास 100 फोटो है, तो वो 100 फोटो आपको एक फोल्डर में अलग से रखना है,
देखने के लिए क्या इसका जो रिजल्ट है कैसा आ रहा है वो देखने के लिए आप अलग से रखिए। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया से हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, खाली इसको सेव करना हो रहा है। ठीक है, ये आप बैच में भी कर सकते हैं, बट बैच में आपका क्या होता है किसी फोटो में लाइट थोड़ा सा ज्यादा होता है, लाइट थोड़ा सा कम होता है, इसके वजह से पूरा कंप्लीट फोटो आपका सही ढंग से आता नहीं है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ आप एक एक करके फोटो को कीजिए, तो उसके लिए आपका बैच कलर ग्रेडेशन एकदम परफेक्ट है, उसके लिए ठीक है, कोई टेंशन नहीं। सबसे ज्यादा डार्क फोटो अगर आपके पास यहाँ पे आएगा तो इसको आपको दबाना, तो डार्क फोटो फिलहाल मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब डार्क फोटो आपके पास आएगा तो आप उसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दुनिया में ऐसा कोई कलर ग्रेडेशन सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि आपका परफेक्ट कलर करेक्शन दे दे, 100 फोटो का एक साथ ही दे दे, एक ही क्वालिटी में एक ही कंडीशन में आपको दे दे। ठीक है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। मार्केट में जो भी मिलता है बैच कलर करेक्शन ऑटो कलर करेक्शन आपको मिलता है, सब आपका थोड़ा सा मैनुअली आपको काम करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप देखिए खाली एक बटन दबाइए, लाइट कम ज्यादा होगा तो लाइट बढ़ाइए घटाइए, अब सेव कर दीजिए, बस और कुछ काम नहीं। अब इसमें लाइट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अगर मान लीजिए इसको लाइट थोड़ा सा बढ़ाना है तो इसको क्लिक कीजिए, आपका लाइट बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आप सिंपली इसको कंट्रोल W एंटर और इसको सेव कर लीजिए। और एक फोटो मैं लास्ट वाला फोटो दिखा देता हूँ क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज्यादा फोटो है तो इसको क्या करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे ऑटो सीसी में क्लिक करना है। ये देखिए कलर करेक्शन का कम्प्लीट हो गया। अब इसका लाइट थोड़ा सा घटा दीजिए, इस तरह से लाइट घटा दीजिए, देखिए एकदम परफेक्ट टोन आपका एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, लाइट आपका बहुत ज्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दे दिया, आप यहाँ पे घटा भी सकते हैं। ओके, और थोड़ा बहुत कुछ करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो फोटोशॉप का जो डिफॉल्ट टूल दिया जाता है उसके मदद से थोड़ा बहुत आपको इधर उधर करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए, और ये फीचर्स भी आपको कैसा लगा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। हर बटन में इसमें जितना भी आपका फंक्शन है ये सभी फंक्शन मैं कभी कभी वीडियो लाऊंगा और एक एक करके यूनिक वाला जो चीज है मैं आपको दिखाते जाऊंगा। तो मेरा चैनल में बने रहिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसका पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है तो आपको मैंने बताया था और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।